बाइक सवार ने युवक को मारा चाकू। घायल युवक को कराया ट्रामा सेंटर में भर्ती। घायल युवक का पड़ोसी ही है आरोपी। धारवाड़ा की विशाल कॉलोनी का रहने वाला है घायल युवक। घायल युवक अपनी बेटी को आइसक्रीम दिलाने के लिए ले जा रहा था। धारवाड़ा गायत्री मंदिर के पास की घटना। आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस घायल युवक के बयान लेकर जांच में जुटी। मैं अपनी लड़की को लेकर खाना खाने के बाद घूमने आया था। पीछे से जब मैं अपने घर जा रहा था वो पीछे से आया बाइक लेके। उसने बाइक में एक खंजर रख रखा था जिससे मुर्गा काटते हैं। मेरी लड़की मेरे साथ थी। वो मुझे आके बोला कि तू मेरी मम्मी को गाली दी है। मैं बोला मैंने कोई गाली नहीं दी है। फिर उसने मेरे ऊपर उस चक्कू से हमला किया। उसने मेरे ऊपर पहले गले में यहाँ पर मारा, पहले पेट में मारने की कोशिश करी, पेट में पीछे हो गया, मेरी लड़की बच गई। उसको लेकर फिर उसने मेरी यहाँ मारी, फिर दोबारा यहाँ मारी, तीसरे में यहाँ मारी। फिर मैंने उसको मेरे को मतलब बेहोश हो गया। फिर मैं वहाँ पे पड़ गया। कौन लोग थे आपको उठा के लाया, आपको क्या पता लगा? मेरे तो पीछे की साइड जो तीन चार आदमी बैठे थे और जो आसपास मकान थे वे आए और उन्होंने मुझे उठाया और वो हॉस्पिटल में ले गए। कौन लोग थे चक्कू मारने वाले? वो मेरी दुकान का पड़ोसी है, राहुल नाम का लड़का है। क्या आपकी उसके साथ कोई रंजिश है पहले से? मेरी कोई रंजिश नहीं। या परिवार की कोई रंजिश? नहीं, कोई रंजिश नहीं। कोई रंजिश? पुलिस को सूचित किया कितनी देर बाद? पुलिस है, पुलिस के पास हमने 100 नंबर पर फ़ोन भी मिलाया मेरे भाई ने। पुलिस तो मेरे पास अब सुबह आई है। क्या पुलिस ने कार्रवाई करी है अभी तक? क्या आप कार्रवाई चाहते हो? मैं चाहता हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसा उसने मेरे साथ किया है उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मुझे अपनी जान से दोबारा हमला लगा। क्या आपकी बच्ची को भी कोई चोट आई है? बच्चे का बचाव? मेरी बच्ची गिर गई, उसको चोट नहीं आई है और वो खून में मतलब जो मुझे खून लगा था वो खून लगा। आपका कैसे क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे दुकान से आया साहब। मेरा बच्चा आया 9 बजे घर। 9 बजे आकर मेरे बच्चे ने खाना खाया, नहाया। नहाने के बाद वो लड़की कहने लगी पापा मामा के से आई थी वो एक दिन पहले, पापा मेरे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम दुआ कर ले आओ। वो आइसक्रीम दुआने होटल से दुआने चला गया। होटल से वो वापसी आया पैदल था मेरा लड़का, लड़की को अपने साथ ले रहा था। तो उसने पीछे से आके और आगे मोटरसाइकिल लगा के और जो वो चक्कू ले रहा था उसने वो पेट में घुसने की वो करी। लड़का मेरा पीछे हट गया एकदम से। पीछे ने हटे बाद फिर उसने सिर में जो उसने कहाँ कहाँ मारी मेरे लड़के को, कहाँ मारी उसने। फिर मेरी लड़की रोने लगी पोती। तो बाज बाज के इधर उधर से कोई आया तो उन्होंने मेरा लड़का छुटाया है। तब मेरे को तो पता ही नहीं लगा, मेरे को तो पता ही बाद में लगा अब भी तेरे लड़के को मार दिया है। मारने वाला कहाँ का रहने वाला है? मारने वाला दुकान के बराबर ही है, पड़ोसी लोग है। आपने पुलिस को सूचित किया? पुलिस को करा, फोन करा पुलिस को। कब आई पुलिस? आई 1 घंटे बाद। जब पुलिस आई थी कुछ नहीं करी है, करेगी तब देखो। अभी तो कुछ बड़ी सजा मिली, उसको सजा मिलनी चाहिए जो मेरे बेटे के साथ ऐसा करे। गोली मारूंगा रात को कह रहा सबके सामने। उसके दादा ने बोला अब बेटा अपने अंकल के आगे तू कदमों में मतलब वो कर ले अपनी गलती मान ले। उस लड़के ने कहा मैं गलती नहीं मानूंगा, इस लड़के को मैं गोली मारूंगा सबके सामने। उसने बोला मैं तो गोली मारूंगा, खुद मेरे सामने बोला। मैं कह रही बेटा मेरे को मार दे, मेरे बेटे ने छोड़ दे मेरी बहू की तो तू मान मैं तू जा। मेरी बहू ने क्या कर दिया, 4 साल मेरे बेटे की शादी में होया है, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा तो लेन नहीं देन नहीं। पड़ोसी लोग मेरे लड़के के बराबर में दुकान के बराबर गए उसका सब मेरे लड़के के साथ धोखा करा। मेरे लड़के ने ये नहीं पता तो तेरा कुछ मन गया।